इस वीडियो में खुलासा हो जाएगा कि मैं शादी से पहले ही मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप खेल लो, पहले खेल लो कुकू। ये नहीं करने का है कुकू, आपको नहीं करने का है, पता है? अभी तोड़ दोगे, बंद करो। चलो, ये मुझे व्लॉग स्टार्ट ही नहीं करने दे रहा है। कहाँ जाना है? जाओ आप बाहर, जाओ बाहर, जाओ आप जाओ। दिस इज करवा चौथ ब्लॉग, जो आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में। अभी करवा चौथ आया नहीं है, तो आज है मंडे और करवा चौथ हैंड्स डे को। लास्ट एक दो दिन में कुछ अच्छी चीज हुई है, कुछ बुरी चीज भी हुई है। पहले अच्छी चीज बता देती हूँ। कल हम गए थे करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब शॉपिंग करने ऐसे गई थी करवा चौथ की। तो मुझे लगा कि बस इस बार ही मुझे करनी है शॉपिंग। और करने क्या, मुझे गिफ्ट लेना था पंकज से। कितने मेरे बर्थडे चले गए, कितने करवा चौथ चले गए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अंकज को बोला जाए कि मुझे गिफ्ट चाहिए। कुछ दिनों पहले ही पंकज का बर्थडे था, तो मैंने गिफ्ट दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बोलती हूँ, अब मेरी बारी है। मैंने एक्चुअली सूट लिया, मैं चाह रही थी एक्चुअली सूट लेना। कई सालों से मैं साड़ी पहन रही हूँ। आई एम फेड अप ऑफ वियरिंग दोज ओल्ड साड़ीज, और बहुत ज़्यादा आउटडेटेड भी हो गई। मुझे एक रेड कलर का मुझे सूट चाहिए था। और बुरी चीज़ क्या है कि मेरे गले में हो रहे हैं छाले, वेरी इरिटेटेड। मुझे डर है कि ये करवा चौथ वाले दिन ना रहे। मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी, कुछ भी खा पी रही थी। तो और आज मेरा प्लान था, एक्चुअली कल ही प्लान था मेरा कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, बट क्योंकि कल हम शॉपिंग के लिए चले गए तो टाइम ही नहीं मिला। सो आज सबसे पहले मेहंदी लगाने की ट्राई करूंगी। ऐसा प्लान है मेरा, लेट्स सी सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। यस, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो देख रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप कुछ लोगों की वजह से ही मैं व्लॉग बना पाती हूँ। मुझे हिम्मत मिलती है कि चलो 50-100 लोग तो देख ही रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। एंड या यही मुझे मोटिवेट करता है और मैं फिर ये कैमरा उठा के शुरू हो जाती हूँ। सो या थैंक यू सो वेरी मच। और ये दो पैकेट्स हैं मेरे शॉपिंग के, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा। क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हो ना, तो मन करता है कि हाँ दिखाओ, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। स्टार्ट करती हूँ सूट से। सो दिस इज द सूट, और बहुत ही रेड, एकदम आई थिंक गाजरी रेड कह सकते हैं इसको। एंड इट लुक्स लाइक दिस। उसकी स्लीव्स में भी काम हुआ पड़ा है, थ्रेड वर्क हुआ पड़ा है। साइड में क्या है, कट एकदम कमर तक आते हैं। एंड लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, जब पहनूंगी तब ही दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ फ्रॉम बीबा। आई डोंट थिंक मैंने बीबा से आज तक कुछ लिया है। लिबास के मैं बहुत ज़्यादा आजकल पहन रही थी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांड है, तो डिफरेंट स्टाइल भी है। प्लाजो भी सिंपल है, बट गोटा लगा हुआ है नीचे। चुन्नी बहुत प्यारी लगी मुझे, एकदम सिंपल है, बट साइड में इसके गोटा पत्ती का काम है। मैं सोच के गई थी कि मुझे रेड लेना है,
और बहुत रेयर होता है मैं कुछ सोच के जाती हूँ और वो मैं लेके आती हूँ. क्या बोलूँ, आई जस्ट लव दिस पीस. प्राइस 4000 का मुझे पड़ा. इसके साथ मैंने इयररिंग भी लिए, एकदम मल्टी कलर्ड में थे. सैंडल भी ली, ये सैंडल आई परचेज. इसकी जो हील है ना, विच इज अमेजिंग एंड समथिंग डिफरेंट आई परचेज. चलो कुछ नया ट्राई करते हैं. आई बॉट इट फ्रॉम किंग्स. यहाँ पे शूज और बैग ही मेन मिलते हैं. आई एम एक्साइटेड टू हियर दीज थिंग्स ऑन करवा चौथ. यस, अभी मुझे मेहंदी भी लगानी. आज लगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ही लगवा लूंगी. A little longer than a few minutes later. So I'm back. मैं मेहंदी लगाकर आ गई हूँ and mission successful. और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं दो दिन पहले मेहंदी लगा रही हूँ करवा चौथ के लिए, बिकॉज हमेशा मैं अनप्लान रहती हूँ. इस बार मैंने काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाई हूँ कि चीज़ें थोड़ी प्लान करके चलूँ. सो दिस इज हाउ माई मेहंदी इज लुकिंग. आई वॉन्ट टू पैट ऑन माई बैक फॉर दिस गुड आइडिया. आई नो ये शायद लड़कियाँ करती होंगी, बट मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बहुत स्मार्टली काम करती हूँ. मैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज होती हूँ, करना मुझे सब कुछ होता है और एंड ऐसा होता है मैं बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती हूँ. सो या दिस वॉज अ गुड स्टार्ट कि मैंने शॉपिंग भी कर ली, मेहंदी भी लग गई करवा चौथ की. अब मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है. एक दिन पहले मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी, मतलब कितना अच्छा लगता है सोच के. क्योंकि ऑर्गेनाइज होके ऐसा लगता है कि यार इट्स अ गुड थिंग. पहले से मतलब प्लान करके रखो चीज़ें, कितनी अच्छी हो जाती. काश मैं लाइफ में भी ऐसे ऑर्गेनाइज होती. मैं अपनी इस चीज़ को सुधारना चाहूँगी. छः मेरा लैपटॉप भी है, मेरा काम भी चल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ और काम भी करती हूँ साथ के साथ. एंड फिर मैं मिलती हूँ. बाय मेहंदी वाला, बाय. मच 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 लेटर. Years later. Good morning everyone. This is another day and this is actually day of Karwa Chauth. So happy Karwa Chauth everyone. कल मैंने vlog नहीं किया because कल कुछ करने को नहीं था. मैंने रात को दिखाई थी तो रात को इतना अच्छे से नहीं दिखी थी, but अभी देखो तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से मेहंदी रच गई है. मुझे टाइम से सोना था और अराउंड 4 बजे करीब मैं सोई. एक्चुअली मैं रात में क्या होता है ना, सरगी वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ. आज तक नहीं खाई मैंने, ना मैंने अपनी मम्मी को खाते हुए देखा सरगी. क्या करती हूँ रात को, मेरा जो डिनर टाइम होता है वो लेट ही होता है, तो मैं लेट डिनर करती हूँ और फिर पानी वानी पी के अच्छे से सो जाती हूँ. वो सेम चीज़ हो जाती है एक्चुअली. जो 4-5 बजे उठते हैं खाने के लिए, मैं उतने बजे ही सोती हूँ, तो इट्स द सेम थिंग. सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, तो मैंने अपना तरीका ये बना रखा है. इनफैक्ट मैं शादी से पहले ही रखती थी.
इस वीडियो में ये खुलासा हो जाएगा कि मैं शादी से पहले ही पास रखती थी, बस कैसे तैसे छुप छुपा के रखती थी, किसी को भी नहीं पता चलता था, इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी, तो कैसे मैंने पास रखे हैं और उसका फल मुझे मिला है। आई एम सो हैप्पी व्हाट आई हैव राइट नाउ, सो ग्रेटफुल टू गॉड कि आपने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, एंड आई एम सो हैप्पी द लाइफ विच आई एम लिविंग राइट नाउ। सबको मैं यही विश करती हूँ, भगवान सबको अच्छी लाइफ दे, सबको अच्छा पति दे। ओवर एक्साइटेड हूँ इस साल हर चीज़ के लिए, मतलब मैं फेस्टिवल्स में एक्साइटेड रहती हूँ, बट इस साल बहुत ज़्यादा हूँ। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज लास्ट ईयर मेरा बहुत ऑफ था, मैंने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, कुकू हो गया था तो मैं इस दुनिया में ही नहीं थी। मैं किसी अलग ही दुनिया में थी, वो मुझे शायद फील होता है, और ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना दूसरा जन्म होता है औरतों का, तो मेरा ऐसा ही लगता है मुझे दूसरा जन्म हुआ है, और सब चीज़ें मुझे दोबारा से करनी है अच्छे से, मतलब जो मैं पिछले साल मिस कर रही थी मुझे सब करना है। करवा चौथ में मैंने आज तक तो कोई शॉपिंग नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम शॉपिंग भी करी है। आई होप मैं ऐसी एक्साइटेड हूँ हर साल और रोज़। मैं तैयार होती हूँ थोड़ी बहुत पूजा करके, जो नॉर्मल पूजा होती है वो मैं रेडी होना शुरू कर देती हूँ, मिलती हूँ तैयार होके एकदम। Ready? Let me show you my whole look, how I'm looking. So actually puja मैं घर में ही करने वाली हूँ, क्योंकि कोई मुझे अपडेट नहीं आया है कि क्लब में हो रही है कि नहीं। So yeah,